हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वैशु कुकिंग। तो आज हम बनाएंगे बैंगन की एक ऐसी टेस्टी सब्ज़ी कि अगर बच्चे हो या बड़े बैंगन की सब्ज़ी नहीं खाते हैं तो आप उनको बैंगन इस तरीके से बना के खिलाइए, वो उंगलियां चाट चाट के खाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपने उन्हें बैंगन खिलाया। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिए हैं 4 बैंगन लिए हैं। तो ये पतले वाले बैंगन हैं, इसमें बीजे बहुत ही कम होते हैं। अब मोटे आप कोशिश करें कि ये वाले ही बैंगन आप इससे बनाएं, मोटे वाले बैंगन में बीजे अक्सर ज़्यादा होते हैं। तो मैंने बैंगन को छील लिया है, उसको छोटे छोटे पीस में कट किया है, 2 पार्ट मैंने इसको कट किया है क्योंकि इसमें कुछ भी कीड़े ना हो, इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में कट किया है। एक आलू को भी छील के मैंने यहाँ पर पानी में डाल दिया है। अब हमें बैंगन को कद्दूकस कर लेना है। बीज के पार्ट में अगर थोड़े बहुत भी बीजे होंगे तो आप उनको बाहर निकाल दें, साइड का पार्ट ही आप लें, बीज का पार्ट बाहर निकाल दें। अगर उसमें थोड़े से बीजे हों तो आप उसको बाहर निकाल दें, साइड के पार्ट को आपको कद्दूकस कर लेना है, जो हमारा ग्रीन वाला पार्ट होता है। इसी तरह हम एक आलू कच्चे आलू को भी मैंने यहाँ पे कद्दूकस कर लिया। बहुत ज़्यादा आलू नहीं लेना है, सिर्फ एक मीडियम साइज़ का कच्चा आलू लेना है। अब यहाँ पे डालेंगे 4 से 5 चम्मच बेसन, जितनी ज़रूरत हो, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। थोड़ा थोड़ा करके डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, पूरा भर के नहीं डालना है। और थोड़ा सा हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे और 1/2 टीस्पून थोड़ा सा अमचूर पाउडर डालेंगे, इससे फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब बस सभी को हमें यहाँ पे मिक्स करना है। बैंगन में खुद इतना पानी होता है कि हमें इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमने इसमें नमक भी ऐड किया है। तो आप इसको पहले ऐसे ही मिक्स कर लें। तो मैं इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर रही हूँ ताकि सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने यहाँ इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, बेसन को अच्छे से बैंगन में और पोटैटोज़ में मिक्स कर लेना है। तो हमने इसको मिक्स कर लिया है। अगर आपको इसके प्रॉपर गोले बनाने हैं तो आप इसके लिए बेसन आपको और ऐड करना पड़ेगा, लेकिन मैं इसको ऐसे ही बना रही हूँ। इससे हमारी पकौड़ियाँ जो हैं बहुत स्पॉन्जी बनेंगी और बहुत ही टेस्टी बनेंगी। और अगर आप गोल गोल बनाएंगे तो वो पकौड़े स्पॉन्जी कम बनते हैं, टाइट हो सकते हैं ज़्यादा बेसन ऐड करने से। तो बस इसकी हम छोटी छोटी पकौड़ियाँ बना लेंगे। मैंने यहाँ पकौड़ियों के लिए मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया है। आप जो भी ऑयल खाते हो आप उसमें ही इस पकौड़ी को बना सकते हैं। मीडियम फ्लेम पे बिल्कुल अच्छे से गोल्डन होने तक आपने इसको पका लेना है, सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लेना है। यकीन मानिए बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है और किसी को मालूम नहीं पड़ेगा कि आपने इसको बैंगन से बनाया है। तो सारी पकौड़ियाँ हमारी क्रिस्प हो चुकी, मैंने निकाली। यहाँ पे टमाटर, मिर्ची और लहसुन लिया है, सभी को अच्छे से छील लिया है, धो लिया और कट भी कर लिया है। सभी को डालेंगे मिक्सी जार में और इसकी एक प्यूरी बना लेंगे। मैंने इसकी प्यूरी रेडी कर ली है। कढ़ाई का जो एक्स्ट्रा ऑयल था मैंने उसको निकाल लिया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 टीस्पून के करीब ज़ीरा और हींग के कुछ पीसेस मैंने यहाँ पे लिए हैं, उसको भी हम डाल देंगे। जब दोनों अच्छे से कुक हो जाएंगे, इसके बाद हमने जो टोमेटो की प्यूरी बनाई है उस टोमेटो की प्यूरी को भी हम इसमें डाल देंगे और मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल करके उसको हमें चला के डाल देना है। जो भी मसाला मिक्सी में लगा हुआ है, जो प्यूरी लगी है, वो निकल जाएगी। सभी को मैंने इसमें डाल दिया है और अच्छे से इसको हमें मिक्स कर लेना है। अब डालेंगे कुछ बेसिक मसाले, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, गरम मसाला 1/2 टीस्पून के करीब, धनिया पाउडर 1 टीस्पून के करीब। सभी को मिक्स कर लें। थोड़ा सा हम यहाँ लाल मिर्ची डालेंगे क्योंकि हमने पहले भी ऐड किया है लाल मिर्ची, थोड़ी सी ऐड करेंगे लाल मिर्ची का पाउडर और सभी को मिक्स कर लें अच्छे से। मसाले को हमें तब तक भूनना है जब तक कि इसमें से ऑयल रिलीज़ ना हो जाए, तब तक हमें अच्छे से मसाले को भूनना है और एक अच्छी सी खुशबू ना आ जाए। तो आप देख पा रहे हैं मसाले में जो है ऑयल रिलीज़ हो गया, हमने ज़्यादा इसमें ऑयल एक्स्ट्रा डाला भी नहीं है, लेकिन आप देख पा रहे हैं ऑयल कितने अच्छे से ऑयल मसाले में रिलीज़ हो गया है। तो बस अब हम इस स्टेज पर जो हमने पकौड़े बनाए थे ना, सारे पकौड़े हम इसमें ऐड कर देंगे। पकौड़ों को भी मसाले के साथ फ्राई करेंगे ताकि मसाले और पकौड़े दोनों आपस में एब्जर्व हो जाएँ, इससे फ्लेवर और टेस्ट जो है सब्ज़ी का और भी अच्छा हो जाता है। आप इसमें ठंडा पानी बिल्कुल ऐड नहीं करेंगे, इसमें हमें गर्म पानी ही ऐड करना है सब्ज़ी में क्योंकि सारी चीज़ें ऑलरेडी पकी हुई हैं। तो हम इसमें गर्म पानी डालेंगे, जैसा भी आपको ग्रेवी पसंद हो, गाढ़ी कम, जैसे भी ग्रेवी आपको पसंद हो, पतली गाढ़ी, आप उसके अकॉर्डिंग पानी यहाँ ऐड करें। अब अच्छे से मसालों में हम पकौड़ों को मिक्स करके 10 मिनट के लिए इसको हम कवर कर देंगे पकने के लिए। जब तक कि पकौड़े और मसाले अच्छे से पक नहीं जाते तब तक आपने इसको कवर कर देना है। 10 मिनट्स बाद हमारी जो सब्जी है वो बन के रेडी है। आप देख पा रहे हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, हमें इससे ज़्यादा इसमें गाढ़ापन नहीं करना है, नहीं तो हमें ग्रेवी बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। तो थोड़ा सा हाई फ्लेम पे इसको हम एक बार बॉईल करेंगे,
उसके बाद हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। अगर आपके पास धनिया पत्ती हो तो ऊपर से डाल लें, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ऐड नहीं किया है। तो धनिया पत्ती अगर आपके पास हो तो आप ज़रूर डालें, टेस्टी बहुत ही अमेजिंग सब्ज़ी बनती है। अगर रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें, फॉलो करें हमें इंस्टाग्राम यूट्यूब एंड फेसबुक पर। प्लीज़ ट्राई करिए, मुझे फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।